Hello students, today we will read second chapter, the starting point. An extract from the race of my life by Milka Singh with Sonia Sanwalka. Milka Singh, also known as the flying sick, is a former Indian track and field sprinter. He represented India in the Commonwealth Games in 1958 and the Summer Olympic Games of 1956, 1960 and 1964. Milka Singh is best remembered for his fourth place finish in the 400 meter, meters final at the 1960 Olympic Games. His fourth place time of 45.73 became the Indian national record then and was held for almost 40 years. Milka Singh, who flying जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कॉमनवेल्थ गेम में 1958 में समर ओलंपिक गेम्स में 1956, 1960 और 1964 में मिल्खा सिंह जाने जाते हैं अपने अचीवमेंट्स के लिए और उनका अचीवमेंट था कि वो फोर्थ प्लेस लाया था उन्होंने ओलंपिक्स के 400 मीटर फाइनल्स में 1960 में उन्होंने ये फोर्थ प्लेस जो लाया था उसकी फोर मीटर्स वाली दूरी 45.73 मिनट्स में कंप्लीट की थी और वो इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड बन गया था ओलंपिक गेम्स में ये रिकॉर्ड लगभग 40 साल तक बना रहा थ्री फॉर्चुनेट इंसिडेंट्स दैट अकर्ड इन जनवरी 1953 व्हेन आई वाज अ न्यू रिक्रूट इन द आर्मी चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ तीन ऐसी घटनाएं घटी जनवरी 1953 में जब मिल्खा सिंह न्यू रिक्रूट थे जब मिल्खा सिंह को नई नई आर्मी में नौकरी मिली थी तब तीन ऐसी चीजें हुई जिन्होंने जिसने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया आफ्टर द मॉर्निंग रोल कॉल ऑन सैटरडे देयर वॉज एन आफ्टर द मॉर्निंग रोल कॉल ऑन सैटरडे देयर वॉज एन अनाउंसमेंट दैट अ सिक्स मीटर रेस वॉज टू बी डे सुबह रोल कॉल के बाद अटेंडेंस के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि 6 मीटर माइल का रेस होगा जो कि अगले दिन होने वाला था नेक्स्ट डे होगा ऑल recruits would participate वुड पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट दुड बी be फ्रॉम द the यू ड्यूटी एंड बी गिवन अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड वो दस लोग जो टॉप आएंगे इस रेस में जो टॉप करेंगे टॉप 10, 10 लोग जो होंगे इस रेस के उन्हें डेली की ड्यूटी फैटिग्यू ड्यूटी नहीं करनी होगी डेली के जो काम होते हैं आम दिनचर्या वाले काम जैसे कुकिंग क्लीनिंग ये सारे काम उन्हें नहीं करने होंगे और उन्हें हर दिन एक ग्लास दूध दिया जाएगा जब तक ट्रेनिंग पीरियड रहेगा तब तक द नेक्स्ट मॉर्निंग वी रिपोर्टेड एट द स्टार्टिंग लाइन वेयरिंग कैनवस शूज वेस्टर्न खादी शॉर्ट्स अगले दिन सबके सब, के सब पहुंच गए स्टार्टिंग लाइन पे जहां से रेस शुरू होने वाली थी अपने अपने कैनवस शूज वेस्ट और खादी शॉर्ट्स पहन के विसल ब्ल्यू एंड वी सेट ऑफ सीटी बजाई गई और सबके सब, सब दौड़ना शुरू कर देते हैं फिल्ड फील्ड विथ अ सेंस ऑफ मिशन सबके अंदर एक मिशन की फीलिंग थी कि एक इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं और हमें कंप्लीट करना है ये आई रैन एज फास्ट एज आई कुड और मिल्खा सिंह दौड़े जितना तेज वो दौड़ सकते थे द रिवॉर्ड ऑफ गेटिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क वॉज अ बिग ट्रीट फॉर मी एज आई हैज सफर्ड ग्रेट वॉन्ट एंड डिप्रीवेशन इन माई चाइल्डहुड एक ग्लास दूध मिलना उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि वो एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे जिनके लिए एक गिलास दूध मिलना बहुत मुश्किल की बात थी मतलब उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जो थी बहुत खराब थी और एक गिलास दूध मिलना बहुत बड़ी बात थी ओके आई टुक द लीड इन द फर्स्ट टू और थ्री माइल्स वो सबसे आगे रहे पहले दो तीन माइल में आई वुड रेस्ट अवाइल इफ आई फेल टायर्ड एंड देन रन अगेन वेन आई सॉ अदर्स कैचिंग अप वो थोड़े देर के लिए धीरे दौड़ते थे और जब उन्हें लगता था कि सारे लोग उनसे तेज भागने लगे हैं तो फिर उनको कैच करने के लिए वो और तेज भागते थे थोड़े दूर बहुत तेजी से भागते थे और जब उन्हें लगता था कि और जो पीछे से आ रहे हैं लोग वो उनको कैचअप कर लेंगे उन तक पहुंच जाएंगे तो फिर वो तेज भागना शुरू करते थे लक वॉज विथ मी दैट डे एंड आई फिनिश्ड सिक्स इन द रेस उस दिन किस्मत उनके साथ थी और वो रेस में सिक्स पोजीशन पे आए द नेम ऑफ द टेन रिक्रूटर्स क्वालिफाइड वेर अनाउंस्ड बिफोर अ लार्ज गैदरिंग ऑफ ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड पीपल वो दस लोग जो रेस में टेंथ पोजीशन तक आए थे उनका नाम सबके सामने अनाउंस किया गया तीन सौ लोगों की भीड़ के सामने उनका नाम अनाउंस किया गया फ्रेंड्स

जोश जागा था उनके अंदर जो उम्मीद जागी थी कि हाँ वो दौड़ सकते हैं वो अच्छा कर सकते हैं उस चीज ने उन, उनका ध्यान एथलेटिक की तरफ खींच लिया उनके करियर को एथलीट की तरफ मोड़ दिया एज पार्ट ऑफ आर ट्रेनिंग वी हैड टू रन सिक्स माइल्स एवरी डे उन्हें अपनी ट्रेनिंग में हर दिन छह मील दौड़ना पड़ता था आवर इंस्ट्रक्टर वाज़ हवलदार गुरु देव सिंह हु हैड बीन विद द आर्मी फॉर अबाउट फिफ्टीन ईयर्स उनके जो इंस्ट्रक्टर थे हवलदार गुरुदेव सिंह जो कि आर्मी में पिछले पंद्रह साल से थे ऑल दो हिस्स टास्क वॉज टू ट्रेन न्यू रिक्रूटर्स ही वॉज अ गुड रनर हिमसेल्फ जबकि उनका उनका टास्क क्या था उनका काम था न्यू रिक्रूटर्स को ट्रेन करना न्यू रिक्रूटर्स को ट्रेनिंग देने का फिर भी वो एक बहुत खुद भी बहुत अच्छे धावक थे बहुत अच्छे रनर थे ही कंटिन्यू टू अप्रीशिएट इन पार्टिसिपेट इन रेसेस और वो अभी भी रेसेस में पार्टिसिपेट करते थे आई ईगरली लुक्ड फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ द प्रैक्टिस सेशन वेन वी वुड गेट द प्रोमिस्ड ग्लास ऑफ मिल्क और ये अभी भी उस वक्त का इंतजार करते थे जबकि उन्हें प्रैक्टिस सेशन के बाद जो प्रॉमिस की गई थी कि एक ग्लास दूध इन लोगों को दिया जाएगा वो दूध मिलता था गुरुदेव वॉज अ टैकिटर्न नो नॉनसेंस काइंड ऑफ मैन जो गुरुदेव थे वो क्या थे बहुत ही रिजर्व काइंड टैकिटर्न मतलब ऐसा आदमी जो कि ज्यादा नहीं बोलता हो बहुत ही रिजर्व रहने वाला नो नॉन सेंस काइंड ऑफ मैन जो कि बहुत सीरियस रहता है और कम मजाक करता हो वैसे इंसान थे बहुत ही सीरियस इंसान थे हिज टफ एक्सटीरियर हाइड हिज सॉफ्ट और जेंटलर साइड और इनका जो टफ एक्सटीरियर था जैसा उन्होंने लोगों के सामने अपने आप को बना के रखा था कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बहुत ही सीरियस uh, इंसान है वो उनके जेंटलर सॉफ्ट साइड को छुपा कर रखता था

i strongly believe that he was instrumental in motivating me to strive to become a world class athlete और मिलखा uh, सिंह को ऐसा लगता था कि वो उसे मोटिवेट करते हैं दौड़ने के लिए और एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने के लिए इवन टुडे व्हेन i थिंक ऑफ हिज डंडा i ब्लो माई हेड इन रिस्पेक्ट आज भी वो कहते हैं कि आज भी जब मैं उन, उनके डंडे के बारे में सोचता हूँ तो मेरा सर झुक जाता है रिस्पेक्ट से सिक्स वीक्स इन टू आर ट्रेनिंग द सेंटर हेल्ड अ क्रॉस कंट्री रेस छह सप्ताह हो गए थे इनके ट्रेनिंग में तब एक क्रॉस कंट्री रेस रखी गई थी इन दिस इवेंट गुरुदेव केम फर्स्ट एंड आई केम सेकेंड और इस रेस में गुरुदेव फर्स्ट आए और मिल्खा सिंह सेकेंड आए अगेन आई बिकेम द्रस ऑफ ऑल आईज और वो फिर से सबकी आंखों में नजरों में उठ गए सबकी नजरों में आ गए आई वॉज ट्वेंटी और ट्वेंटी वन एट दैट टाइम वो बीस या इक्कीस साल के थे उस वक्त बट लुक मच यंगर मगर काफी ंग दिखते थे आई वॉज आस्ट टू टेक पार्ट इन द ब्रिगेड मीट इन हैदराबाद वेन आई वॉज आई वॉज आस्ट टू रन इन द फोर हंड्रेड मीटर इवेंट और फिर क्योंकि ये सेकेंड आई सबकी नज़रों में आ गए थे ये तो इन्हें ब्रिगेड मीट जो कि हैदराबाद में होने वाली थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया फोर हंड्रेड मीटर इवेंट में आई वॉज ग्रेटली सरप्राइज बिकॉज आई डिड नॉट ईवन नो वॉट फोर हंड्रेड मीटर्स मैंट वो तो बहुत ही चकित थे बहुत ही सरप्राइज थे क्योंकि ही वॉज नॉट एन एथलीट वो तो एक आर्मी में ट्रेनिंग लेने हुए आए वे सोल्जर थे मगर उनको 400 मीटर रेस में दौड़ने के लिए कहा गया एज एन एथलीट उन्हें यह भी नहीं पता था उस वक्त कि 400 मीटर का मतलब क्या होता है आई हैड ऑलवेज रन सिक्स माइल्स उन्होंने तब तक हमेशा छह मील दौड़ना है छह मील दौड़ना है यही सुना था बट इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रिगेड मीट दैट द सेकेंड इंसिडेंट अकर्ड च मेड मी इवन मोर डिटर्म टू बिकम अ गुड एथलीट अगली बार जो सेकेंड इंसिडेंट जैसा कि उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी में तीन इंसिडेंट हुए तो दूसरा इंसिडेंट तब हुआ जब वो ब्रिगेड मीट में दौड़े और तब उनका इरादा बिल्कुल पक्का हो गया एथलीट बनने का इन द फर्स्ट प्रैक्टिस रन इन हैदराबाद आई टुक ऑफ माई कैनवे शूज एंड रैन बेयर फूट पहली बार जब हैदराबाद में प्रैक्टिस रन हुआ तो वो अपने जूते उतार कर कैनवस शूज उतार कर नंगे पांव दौड़े थे गुरुदेव क्लैप्ड हिज हैंड फॉर मी टू स्टार्ट गुरुदेव जब वो दौड़ना शुरू करने वाले थे तो उन्होंने उनका अपना हाथ से अपने हाथ से ताली बजाई और रेस स्टार्ट किया आई डिड एन एन क्लॉक सिक्सटी थ्री सेकेंड्स और 63 थ्री सेकेंड में उन्होंने रेस कंप्लीट कर लिया आई वॉज ईगर टू रन फॉर मोर राउंड आई वॉज ईगर टू रन फोर मोर राउंड और वो चार और राउंड दौड़ना चाहते थे आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट आई वॉज यूज टू क्योंकि वो ऐसा ही करने के यूज टू थे क्योंकि वो हमेशा सिक्स माइल्स दौड़ते आए थे और उन्हें और वो सिक्स माइल्स फोर हंड्रेड मीटर्स का चार राउंड होता है एक माइल दौड़ के उनको कोई फर्क नहीं पड़ा वो चार चार राउंड और दौड़ सकते थे टू रन सिक्स माइल्स एवरी डे सो रनिंग अ क्वार्टर माइल सीम्स फार टू इजी इसीलिए उन्हें क्वार्टर माइल्स दौड़ना बहुत ही आसान लग रहा था आई कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट फॉर मैनी डेज टू इम्प्रूव माई टाइम एंड सून आई वॉज रनिंग फोर हंड्रेड मीटर इन लेस देन मिनट वो डेली प्रैक्टिस करते रहे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने समय को और कम करने के लिए कि कम समय में वो ज़्यादा दूरी दौड़ सके 400 मीटर दौड़ सके और जल्दी ही वो 400 मीटर एक मिनट से भी कम समय में तय करने लगे थे द डे ऑफ द मीट डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर और जिस दिन उन्हें दौड़ना था जिस दिन हैदराबाद मीट होने वाली थी वो नज़दीक आ गया एज आई मेड माई वे टू द स्टेडियम आई नोटिस सम मैन हुआ सराउंडेड बाई सीर्स एंड देयर फैमिलीज जब वो स्टेडियम में गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सीनियर ऑफिसर्स और की फैमिली से घिरे हुए हैं द मैन वो वेस्ट विथ इंडिया रिटर्न ऑन दैम इन बोल्ड लेटर्स उन्होंने जो वेस्ट पहन रखे हैं जो उस पे इंडिया लिखा है बोल लेटर्स में इट सीम्स टू हैव एन एयर ऑफ पार एंड प्रिस्टेज अबाउट देम और उन टी शर्ट्स को देख कर उन वेस्ट को देख कर ऐसा लगता है कि उसमें बहुत पावर है और बहुत प्रस्टेज है बहुत इज्जत है बहुत गर्व है और बहुत ताकत है आई वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो हु दे व्यर वो बहुत ही उत्सुक थे ये जानने के लिए कि वो लोग हैं कौन आई वॉज टोल्ड लेटर दैट देवर एथलीट्स हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट उन्हें बताया गया कि वो ये वो एथलीट्स एथलीट्स हैं ये वो धावक हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कहाँ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में दैट वो इज माई यूरेका मोमेंट और वो मोमेंट था जब उनको लगा कि वाह मैं इन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करने वाला हूं आई मेड अ सॉलमन प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई वुड नॉट रेस्ट एंड आई अर्न अ प्लेस इन दैट स्पेशल वर्ल्ड टू और उस दिन उन्होंने खुद से एक प्रॉमिस किया कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं अपनी जगह ना बना लूं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में द वर्ल्ड ऑफ इंडियन एथलीट्स हु हैड द प्रिवलेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री उन लोगों में उन इंडियन एथलीट्स में जिनको कि अपने कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है I wanted to wear blazer and vest with the name of my country written on them। वो अपने कंट्री का नाम लिखा हुआ ब्लेजर और वेस्ट पहनना चाहते थे I resolved that I would make my country proud of me। और उन्होंने तय किया कि मैं उन्होंने रिजोल्यूशन लिया ऐसा कि मैं अपनी कंट्री को खुद पे प्राउड फील कराऊंगा गर्व महसूस करवाऊँगा खुद पे अपना नाम वो इतना बड़ा बनाना चाहते थे कि उनका उनके देश को उनके नाम पे गर्व हो आई वॉज वेरी नर्वस वेन वी रिपोर्टेड एट द स्टार्टिंग लाइन बिफोर द रेस वो काफ़ी नर्वस थे जब उन्होंने स्टार्टिंग लाइन पे रिपोर्ट किया जब उन्होंने वो स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचे जहाँ से रेस शुरू होने वाली थी दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज कॉम्पिटिटिंग इन सच एन इवेंट एंड दैट टू बिफोर थाउजेंड ऑफ स्पेक्टेटर्स पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे इतने सारे हज़ारों लोग उन्हें देखने वाले थे आई हैड लिटिल आइडिया अबाउट द प्रोसीजर्स एंड द टनिकालीज़ ऑफ सच इवेंट उनको इन सारे इवेंट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे होते हैं और क्या क्या टेक्निकल चीज़ें इस इस्तेमाल होती हैं आई केम फोर्थ इन द रेस वो फोर्थ आई रेस में आई वॉज डिसंटेड बट नॉट डिसहार्टिड वो निराश थे पर हताश नहीं थे आई हैड रेस विथ स्टार एथलीट्स वो स्टार एथलीट्स के साथ वैसे लोगों के साथ दौड़ रहे थे जो कि जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रजेंट कर चुके हैं द नेशनल चैम्पियन सोहन सिंह ऑफ द सिख रेजिमेंट एंड प्रीतम सिंह हु हैड रिप्रजेंटेड इंडिया इन ईवेंट्स एब्रॉड सोहम सिंह जो कि सिख रेजिमेंट के थे चैम्पियन थे और प्रीतम सिंह जिन्होंकि इंडिया को एब्रॉड पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है वेन आई रिटर्न फ्राम हैदराबाद इट वॉज बैक टू वर्क एज यूजल परेड्स आवर मिलिट्री ड्यूटीज एंड एग्जामिनेशन कंज्यूम्ड बाई माई टाइम और जब वो हैदराबाद से लौटे तो उनका डेली का जो यूजुअल ड्यूटी होता था यूजुअल काम होता था परेड करना मिलिट्री ड्यूटी संभालना एग्जाम्स उनका वक्त ले लेता था ये सब बट माई डिजायर टू सक्सीड एज एथलीट वॉज अ स्ट्रॉन्ग और एवर पर उनका जो डिज़ायर था उनकी जो चाहत थी एक एथलीट बन के उभरने की वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी आफ्टर अ डे ऑफ हार्ड वर्क आई वुड कैरी माई डिनर बैक टू द बैरक एंड हाइड द प्लेट ऑफ फूड अंडर माई बेड वैन माई कलीग्स रिलैक्स इन द इवनिंग आई वुड बी एट द ग्राउंड प्रैक्टिस वो अपना ना अपना रात का खाना नहीं खाते थे और उस खाने की प्लेट को अपने बैरक में ले जाकर छुपा देते थे अपने बेड के नीचे और जब उनके कलीग्स उनके जो साथ वाले थे वो इवनिंग में रिलैक्स करते थे वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे वो ग्राउंड में दौड़ने की प्रैक्टिस करते थे आई स्टिल डि नॉट नो द टेक्निक नीडेड टू रन अ फोर मीटर रेस उनको अभी भी टेक्निक्स नहीं पता थी चार सौ मीटर रेस दौड़ने की बट आई फॉलो द रूल ऑफ थम और उन्होंने थम रूल एक फॉलो किया आई वुड रन वन राउंड एट द हाईस्ट स्पीड उन्होंने तय किया कि वो एक राउंड बिल्कुल हाइएस्ट स्पीड में दौड़ेंगे रेस्ट फॉर अ वाइल्ड देन आई रन अनादर वन और फिर वो थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे मतलब वो थोड़ा कम स्पीड से नेक्स्ट राउंड दौड़ेंगे एंड देन अनदर वन और फिर नेक्स्ट राउंड फिर ज़्यादा स्पीड में दौड़ेंगे आई वुड कंप्लीट फाइव और सिक्स राउंड्स एंड देन रिटर्न टू माय रूम टू टेक अ बाथ एंड हैव डिनर और फिर वो पाँच छः राउंड लगाने के बाद वो अपने रेजिमेंट uh, में अपने रूम में लौट आते थे और नहाते थे और फिर डिनर करते थे दिस वॉज माई रूटीन फॉर माई फॉर मैनी मंथ्स और बहुत मन तक उनका यही रूटीन रहा अ सीक्रेट एक्टिविटी दैट नो वन वॉज अवेयर ऑफ एक ऐसा सीक्रेट एक्टिविटी जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे वन नाइट आई वॉज डूइंग माई रेगुलर प्रैक्टिस राउंड वेन ब्रिगेड एस पी वोरा स्पॉटेड मी वो अपना डेली का जो प्रैक्टिस करते थे वो कर रहे थे जब उन्हें एक ब्रिगेड एस पी वोरा ने देखा ही वॉज ही वॉज ऑन हिज आफ्टर डिनर वॉक वो डिनर करके घूम रहे थे वाई आर यू ऑन द ग्राउंड एट दिस आर ही आज शार्पली और वो उनसे पूछते हैं कि तुम इस वक्त ग्राउंड पे क्या कर रहे हो सर आई सेट क्लिकिंग माई हील्स एंड स्नैपिंग टू अटेंशन वो अटेंशन पोजिशन में आकर उनसे कहते हैं सर आई ट्राई टू डू अ स्मार्ट सेल्यूट थ्रू आई वॉज ब्रीदिंग हार्ड एंड ड्रिपिंग स्वेट from एवरी पोर उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से सैल्यूट करने की कोशिश की जबकि वो बहुत ही आ, क्योंकि दौड़ने की वजह से वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहे थे और हर जगह से पसीने से लथपथ लथपथ थे बिल्कुल पसीने में सर आई पैन पैंटेड और वह हाफते हुए कहते हैं सर आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द 400 हंड्रेड मीटर रेस मैं 400 हंड्रेड मीटर रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्रैक्टिसिंग वाई और यू प्रैक्टिसिंग एट दिस आर वो कहते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हो तुम पर इस वक्त क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो ही आज साउंडिंग अ लिटिल एस्टोनिस्ट वो चकित रह गए और वो पूछते हैं कि इस वक्त तुम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे सर आई रिप्लाइड क्वाइटली और वो रिप्लाई करते हैं उसको कि मेरे पास दिन में प्रैक्टिस करने का समय नहीं है इसीलिए मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ही स्टेयर एट मी देन नॉड एड एंड वॉक अवे ब्रिस्ली आई फेल्ट क्वाइट रिलीव दैट आई हैड बीन लेट ऑफ ईजली और वो बहुत ही आराम महसूस करते उन्हें लगता है कि अच्छा है को, कोई भी मतलब एक्शन नहीं लिया गया इसके अगेंस्ट और मुझे आसानी से ही छोड़ दिया गया दिस मीटिंग लेड टू अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट आई हैड नेवर एंटीसिपेटेड द नेक्स्ट डे द कमांडर ऑफ माय कंपनी टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट हैव टू डू फैटिंग ड्यूटी एनी मोर और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उनके कमांडर इस इस चीज़ की वजह से इस मीटिंग की वजह से बड़ा बड़ा फ़ायदा हुआ उनको कि उनको नेक्स्ट डे कमांडर कहते हैं कि तुम्हें अब से नॉर्मल जो ड्यूटीज होती हैं डेली वाली वो सब तुम्हें नहीं करनी है दिस गेव मी मोर टाइम टू प्रैक्टिस और इसकी वजह से तो उन्हें प्रैक्टिस करने का और भी मौका मिल गया आई वॉज गिवेन बेटर फैसिलिटीज़ ए न्यूट्रीन डाइट एंड स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टू माई ग्रूमिंग और उनकी उन्हें अच्छी फैसिलिटी दी गई अच्छा न्यूट्रिशन डाइट दिया गया और उन उनपे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा द इंसिडेंट ओपन अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी वन ऑफ दैट ऑफर्ड इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज और इस इंसिडेंट ने उनके लिए नए रास्ते नई दुनिया की तरफ उनके रास्ते खोल दिए और उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मिल्खा सिंह कि कैसे वो एथलीट बने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो